इस साल मानसून ने दिल्ली और मुंबई में एक साथ दस्तक दी थी, मगर उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हो रही थी। बीते एक हफ्ते से उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। गुरुवार की सुबह पहले सर्द हवाएं और फिर जोरदार बारिश ने मौसम हसीन कर दिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव भी हुआ है। ऐसे में कुछ सड़कों पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और घर से बाहर जाने वाले हैं तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक अलर्ट जरूर देख लीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित है। इसमें नोएडा की ओर जाने वाली सड़क, धौलाकुआ फ्लाईओवर से 11 मूर्ति की तरफ जाने वाली सड़क भी शामिल है। दिल्ली के ITO इलाके में बारिश के बाद लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है। ऐसे में पीक आवर्स में ITO इलाके में सड़क पर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला DND फ्लाईओवर भी बारिश के बाद पूरी तरह से जाम हो गया है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। लोगों को मौसम से राहत तो मिली है, लेकिन ऑफिस जाने में देरी के कारण लोगों को चिंता भी सता रही है। फिलहाल अभी भी नोएडा दिल्ली में बारिश हो रही है। ऐसे में जाम कब तक खुलेंगे, लोगों को ये भी डर सता रहा है। अगर आप दिल्ली से अक्षरधाम होते हुए नोएडा की ओर जाते हैं तो आपको अगले 25 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। UP लिंक रोड के कैरिज वे पर लगभग 25 दिनों तक भारी ट्रैफिक रहने वाला है। चिल्ला बॉर्डर के पास नोएडा गेट की चल रही मरम्मत के काम के कारण करीब 5 दिनों तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। सरदार पटेल मार्ग पर धौलाकुआ फ्लाईओवर से 11 मूर्ति की ओर जाने वाले मार्ग पर मौर्य होटल के पास बस खराब हुई, जिसके कारण पूरा यातायात प्रभावित है। इसके अलावा निकुंज रजोकरी के पास LGV के टूटने कारण रंगपुरी से रजोकरी की ओर जाने वाले मार्ग NH 48 पर यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और NCR के इलाकों बुराड़ी, मॉडल टाउन, करावल नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन्स, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी और लोनी देहात के अलग अलग स्थानों पर हल्की और तेज बारिश यहां पे हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी यहां पर बारिश हुए अच्छी होने की संभावना बताई गई है। हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, गन्नौर, सोनीपत, खरखौदा में भी अच्छी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।